ਜਿਹੜਾ ਤੱਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। मैं सच बोलता हूँ, नाथख्वान तो एक से एक है, जिनमें एक नाथख्वान हमारे हाजी मुश्ताक भी थे, लेकिन मैं इनकी जिंदगी में भी कहा करता था, मैं हाजी मुश्ताक से मुतासिर था। अब रूए जमीन पर मेरे नजदीक कोई ऐसा मेरे तजरबे में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब नाथख्वान है, हर मुसलमान नाथख्वान है, लेकिन बात क्या खुश आवाजी के साथ कि बेहतरीन आवाज हो जिसके लाखों खरीदार हो, और फिर उसके अखलाक से और उसके किरदार से दिल खुश हो, जो दुनिया के पैसों के पीछे ख्वार रहे। मेरे तजुर्बे में एक आया जिसको मैंने करीब से देखा बाला, और मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, और बहुत ही पसंद आया, तो मैंने उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह इसको मरकजी मजलिस शूरा का निगरान बना दिया, और इसको पूछे बगैर यहीं से फैजान मदीना में स्पीकर से ऐलान किया था। तो मेरा ऐलान सुनकर इसको पता चला कि मुझे ये ओहदा मिल गया, इसलिए मैंने देखा कि आदमी जो है यार ये पैसों का लालची नहीं, इतनी प्यारी आबादी तो लाखों रुपए बना सकता है। लेकिन मैंने इसके बारे में कभी ये भी नहीं सुना कि इसने ये बोला हो कि भाई किराया दो तो आऊंगा। तो अल्लाह ताला बस जिसको नवाज दे, अल्लाह ताला हर नाथख्वान को मैं यही कहता हूँ, सबको हाजी मुश्ताक के नक्शे कदम पर चलाए, इनकी हिरसो तमा बंद हो जाए। तो ये मेरा मुश्ताक बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा उसके साथ उसने जन है कि हमने एक आशिक रसूल खो दिया, हमने एक मुखलिस मुबल्लिग खो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी शान ये है कि ये जब बीमार थे ना, तो किसी ने एक मकतूब भेजा, उस मकतूब में उसने कुछ इस तरह का अपना बयान लिखा था, कसम खाकर कि खुदा की कसम मैंने ख्वाब में अपने आप को सुनहरी जालियों के रूबरू पाया। तो जाली मुबारक में तीन सुराख बने हुए, एक बड़ा सुराख है, इसके बाद दो सुराख छोटे छोटे भी हैं। तो उनमें से सुराख में मेरी नजर गई, तो मैंने देखा कि सुनहरी जालियों वाले आका उसमें जलवा फरमा है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर हैं। इतने में हाजी मुश्ताक अट्टारी रहमतुल्लाह तआला ने सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मरहूम हाजी मुश्ताक को सीने से लगा लिया और कुछ ही इरशादात फरमाए। ख्वाब देखने वाले का बयान है कि उनमें से मुझे कोई बात याद नहीं। बोला ये ख्वाब देख लिया तो फिर जहर मोहब्बत दिल में पैदा हुई कि ये ऐसा मकबूल बारगाह रिसालत है, नाम तो सुना था लेकिन इतना नहीं पता था। तो मालूमात की तो पता चला कि हाजी मुश्ताक सख्त बीमार हैं। तो चंद महीने पहले उसने ख्वाब देखा था कि हाजी मुश्ताक सख्त बीमार है, और डॉक्टरों ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। तो मंगल को सुबह 8:15 बजे मुश्ताक भाई का इंतकाल हुआ। मैं उस वक्त अरब अमारात में था, तो टेलीफोन पर बराबर मेरा राबेता था, और इन पर सकरात थी, तो टेलीफोन इस्ताई भाइयों ने हाजी मुश्ताक के कान पर रख दिया। तो मैंने उनको कलमे की तलकीन की और हौसला दिया, मगर वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो सकरात में थे। और मैंने उनसे ये भी अर्ज कर दिया कि मेरा सरकार को सलाम अर्ज करना, ये जब भी कोई सकरात में मिले ना तो उसको ये कहना चाहिए, इसलिए कब्र में सरकार की जियारत होती है। कराची के एक मस्जिद के एक इमाम साहब, उनकी तरफ से ये चिट्ठी किसी ने दी है कि पीर और मंगल की दरमियानी शब मैंने आखिरी रात में ख्वाब में एक आवाज सुनी, यानी कोई पुकार कर कह रहा है उठो सुबह कराची में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। फिर उसी दिन सुबह इतलाई कि हाजी मुश्ताक इंतकाल फरमा गए रहमतुल्लाह ताला। एक और उसी रात का ख्वाब लिखकर मिला मुझे, उसका लुबे लुबाब यह है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नो भी हैं, बल्कि खुलफाए राशिदीन हैं, शहदाए करबला भी मौजूद है, और भी अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया किराम की महफिल सजी है जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इतने में सुकूत टूटा और सरकार सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के लबाए मुबारक को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया अबू बकर मुश्ताक आने वाले, मैं भी इनसे मुसाफा करूंगा, आप भी करना, और जो हाजरीन थे अंबिया अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम वगैरह उनसे भी फरमाया इसी तरह के मुश्ताक अभी आने वाले, दुनिया से मतलब रुखसत होकर मस्जिद नबी शरीफ का वो मंजर था। तो यहाँ मस्जिद नबी में नाथख्वानी होगी और हम मुश्ताक से नाते सुनेंगे। बस ये रात में ख्वाब देखा, सुबह 8:15 बजे हाजी मुश्ताक इंतकाल फरमा गए। तो गोया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरे इज्तिमा में मेरे मुश्ताक का इंतजार फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, काबिल रश्क है इनका मुकद्दर। मुझे किस्सा भाई ने बताया, जो इंतहाई जिम्मेदार इस्ताई भाई है, इंतकाल अब मुश्ताक भाई का हो चुका था, तो उनकी खाला ने ख्वाब देखा कि काबतुल्ला शरीफ जलवा फरमाए और हाजी मुश्ताक
دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے کھڑے کھڑے رو رو کر دعا مانگ رہے گئے. اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی سر خم ہو درے پا پار اور ہاتھ اٹھا. تو اللہ تعالی ہمارے مشتاق پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جیڑا تکدا اک واری او تکدا ہی جاندا اے مرشد دا دیدار بڑا سونا.